किया और हमने हर तरह का नया टैलेंट भी खिलाया है, यंगस्टर्स के साथ भी किए हैं, सीनियर्स के साथ भी किए हैं, और हर एक का ऑलमोस्ट डेब्यू भी हुआ है। तो आई गेस जितने भी अच्छे हमने लड़कियों को फॉर्मेट जिस तरह का भी दिया है, उन्होंने अपने इंटेंट शो की है, और आई गेस यही हमारी सबसे ज़बरदस्त बात है कि हमने जो भी हम करना चाह रहे थे वो हमने वन डे में किया हो, T20 में किया हो, उसको नज़र आ रहा था कि हम किस प्लान से जा रहे हैं। तो आई गेस आने वाले दिनों में ये सब चीज़ें बहुत बेहतर और भी नज़र आएंगी। अब अगला असाइनमेंट एशियन गेम्स है, और जिस तरह आपने साउथ अफ्रीका पैनलिस्ट टीम को आपने सीरीज मारी, तो उसके बाद एशियन गेम्स के लिए आपके कितने हौसले बुलंद और वहाँ पर रिवाइव किया गई भारत से भी आपका मुकाबला होने, लेकिन आपका माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है 2 मरतबा गोल्ड मेडल, कितने कॉन्फिडेंट हैं एशियन गेम्स के लिए, और जो एडमार इस सीरीज से मिला है वो किस तरह ट्रांसलेट करेंगे एशियन गेम्स, और थोड़ा सा यही बता दें जिस तरह हमने T20 में देखा कि बड़ी एक जबरदस्त क्रिकेट खेली, मॉडर्न डे क्रिकेट एक इंटेंट जो होनी चाहिए उस इंटेंट के किस तरह आप देखते हैं। देखिए जी, सबसे पहली बात ये कि हम एशियन गेम्स तो जा रहे हैं खेलने के लिए, डिफेंडिंग चैंपियंस भी हैं, इंशाल्लाह ताला हमारा मोराल बड़ा अच्छा है, जो मोमेंटम हमने T20 सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के हमने लिया है, डेफिनेटली हम शो भी करेंगे। हम मैच टू मैच जाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला, और कोशिश हमारी यही कि पाकिस्तान को दोबारा से गोल्ड मेडल हम लेकर आए। जिस तरह का सेटअप हमारा स्टार्ट हुआ है, जिस तरह लड़कियाँ अपने आप को अपना पोटेंशियल शो कर रही हैं, कि इस हर क्रिकेट में हर नेशन में एक इसी तरह की गेम्स जब तक होंगी तब तक इंशाल्लाह ताला आपको भी अच्छे रिजल्ट्स नज़र आएंगे। डेफिनेटली एक आपको हर बंदे की बात करती है कि इंटेंट नज़र आ रही हो इस वजह से कि हमारे पास जो यंगस्टर्स और सीनियर्स का एक जो ग्रुप बना है, जो कि जैसे कॉम्बिनेशन अच्छा बना है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारा टैलेंट भी नीचे से मिला, इमर्जिंग की लड़कियाँ भी बीच में आई हैं, अंडर 19 की लड़कियाँ ऐड की हैं, तो डेफिनेटली ये ज़्यादा टैलेंट की वजह से हमें कॉम्बिनेशन भी अच्छा मिला जिसमें हमें इंटेंट नज़र आती है। और अब दुनिया भर में देखते हैं कि आपको एग्रेसिव क्रिकेट खेलने को मिलती है और इसकी जो डिमांड है क्रिकेट की है वो एग्रेसिव है। तो आई गेस ये लड़कियाँ शो कर रही हैं कि हम एक इस तरह का हमारे पास पोटेंशियल है, तो हम उसको इस तरह शो कास्ट रहे की है और ये जबरदस्त है। पहले तो आपको मुबारक हो, जिस तरीके से आज आप लोगों ने जबरदस्त अंदाज में कम बैक किया, डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा, और इससे मैं समझता हूँ कि आपकी डायरेक्ट प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ होगा। क्वेश्चन ये है कि डायरेक्ट आप लोग कमिंग सीरीज भी आ रही हैं, बहुत टफ सीरीज होगी, स्पेशली अपने आई एम टॉकिंग अबाउट द वेस्ट इंडीज, बहुत होगी एशियन गेम तो चले इंशाल्लाह जो आप जीत कर आएंगे अल्लाह ने किया तो, एंड वेस्ट इंडीज टफ होगी, फिर जाहिर है कि क्वेश्चन ये रिगार्डिंग के जब सीरीज से पहले जो है जूनियर्स प्लेयर्स हमारी जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं उनके हवाले से कहा जा रहा था कि बड़ी टैलेंटेड पोटेंशियल स्पेशली अटैकिंग बॉलर्स शोभा के बड़ा होगा, लेकिन हमने ये देखा कि ODI में और T20 में तीन मैचेस ये इसमें हमारी जो सीनियर बैटर्स थी बहुत ज़्यादा परफॉर्म करती रही और अच्छे विकेट के ऊपर रुक कर उन्होंने परफॉर्म किया, तो क्या एक्सपेक्टेशन है, आप समझते हैं कि हमारी जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं उनको मजीद एक्सपीरियंस की जरूरत है ताकि ये कि हमारा आइंदा फ्यूचर का जो खुला हो स्पेस हो वो प्रूव हो सके। थैंक यू। देखिए जी, अगर हमने साउथ अफ्रीका को 3-0 किया है तो इंशाल्लाह ताला हम बाकी टीम्स को भी जरूर करेंगे, हमारी इंटेंशंस अच्छी हैं और जो हमारा कॉम्बिनेशन बना हुआ बहुत अच्छा है, यंगस्टर है आप उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते। डेफिनेटली अभी आपके एक टीम में वो मेंबर बने हैं नए, आप उसको थोड़ा ग्रूम करते हो जब भी टीम में कोई नया प्लेयर आता है, डेफिनेटली और अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, पर ये हमने फ्री इस चीज़ को उनकी इंटेंशन को फ्री रखा हुआ ताकि वो खुला जाके खेलें, गेम को अंडरस्टैंड करें, और ये वो लड़कियाँ जो अंडर 19 वर्ल्ड कप से भी आई हुई हैं, इमर्जिंग से भी आई हैं, और हम उनका पास्ट जितना भी रिकॉर्ड है हम देखते रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े खुश हैं इस चीज़ को लेकर कि क्लियर माइंड सेट से और अपने रोल पर खेलती रही हैं। ODI T20 में अगर आपको लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा कोई काम ऐसा किया है जो कि पसंद नहीं आ रहा, लेकिन आई गेस मैं इससे बहुत कुछ पॉजिटिव लेती हूँ, जो लड़कियाँ जैसा खेल रही हैं मेरे लिए वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि खेलने का तरीका कार जिस तरह का हमारा है वो ज़बरदस्त है, और यही आपको हमेशा जितवाता है, जो आपकी एक पोटेंशियल जो आप शो करते हो वही आपको जितवाता है हमेशा। और आई गेस अभी हमने ये इसको स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह ताला हम आगे भी आपको शोकास्ट करते रहेंगे। लगा के पिछली मुख्तलिफ
टीमें थी इस मामले में। वनडे में थोड़ा सा मिसिंग रही, मैं जानना चाहूँ कहाँ आपने फील किया, कहाँ कभी नजर आई, किन शोबों में आपको मुश्किल का सामना, खामियाँ कहाँ बनी? देखिए जी, हम मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे थे, हमने अगले भी सीरीज खेलनी है और हम हमारे लिए डेफिनेटली ये पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अच्छी चीज़ ये कि हम 6 मैचेस में से 4 मैचेस जीते हैं, तो हमारे लिए पॉजिटिव ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा हमें फिनिशर्स के जो रोल हैं वो हमें पता चल गए हैं, जो कॉम्बिनेशन हमारा ऊपर से ओपनर्स का है वो हमें पता चल गया है। तो डेफिनेटली मैं इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं अपनी लड़कियों को बात करती हूँ, क्योंकि हमें वो हर तरह की स्किल है, हर तरह की पोटेंशियल है, जो हर तरह का फॉर्मेट खेल सकते हैं। तो आई गेस ये अब हमने इस दफ़ा हम पहले बिटन पीसीज में परफॉर्मेंसेस देते थे, ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस होती थी, अब हमारे टीम को परफॉर्मेंसेस है जो कि हमारे रिजल्ट चेंज कर गए। इंशाल्लाह ताला हमारी रैंकिंग्स भी इस तरह चेंज होंगी। अब देखेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो अब जिस तरह की बन कर आई है, इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती रहेगी। निरा सवाल है तो बहुत सारे पूछने जाता हूँ, लेकिन दो ही फिलहाल पूछ लेता हूँ। 11-4-18 ये गाइडेंस स्कोर था शोहाल ज़ुल्फ़िकार का, ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस थी कि उनको वनडे कैप भी दे दी गई इस परफॉर्मेंसेस पे? फिर जेरी जवेरिया जो हैं वो पाकिस्तान के टॉप रन गेटर में शामिल होती हैं, आगे एशियन गेम्स जैसा इवेंट है, फिर अवे जाके आपने खेलना है तो आसान नहीं होता। जो आपके रिसेंटली एक कोच जो छोड़ के चले गए, उन्होंने कुछ खिलाड़ियों को फ़ोन करके कहा था कि अब आप अपना कोई और फैसला कर लें, अब आप कहीं टीम लीडर में नहीं, लेकिन उन्होंने कह दिया था कि आप कुछ और फैसला कर लें, हमारी तरफ से गेम आपका ओवर हो चुका है। तो किस तरह करनी है, क्या जेरी के लिए वाकई स्पेस खत्म हो गई है, शवाज़ुल्फ़िकार जो है वो सही फैसला था और आयशा रसीम ने आगे चली गई, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, अगर हम जवेरिया की बात करते हैं तो उनके पास डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट भी है, वो डोमेस्टिक खेलेंगी इंशाल्लाह ताला, हमारे वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन में उनका नाम आता है बैटर्स में, डेफिनेटली उनको जरूर चांस मिलेगा। लेकिन अब प्रीवियसली अगर आप उनको हम अगर देखते हैं तो हमें हर तरह के टैलेंट को नजर भी हम उन पर भी ध्यान करना है और उनको ग्रूम भी करना है। डेफिनेटली हम इनकी 2-4 परफॉर्मेंसेज भी किसी को हम बयान नहीं कर सकते। यस ऑब्वियसली शवाल हमारी एक यंग गन है, इंशाल्लाह ताला वो प्रॉपर डेवलप हो गया है कि अगर अंडर 19 में आपने उसकी परफॉर्मेंसेज देखी है तो आपको शायद अंदाजा हो कि हम पास परफॉर्मेंसेज भी काफ़ी सारी देखे हैं, डोमेस्टिक में उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। इट्स नॉट अबाउट कि शवाल और जेरी, इट्स अबाउट कि हम कितना टैलेंट ग्रूम कर रहे हैं और कितना टैलेंट कलेक्ट कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हम जब नज़र आ रहे हैं कि हमारे पास माशाल्लाह 500 से ज़्यादा लड़कियाँ ऐसी हैं कि जो हम 6 टीम 7 टीम आपस में बना के भी खेल सकते हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास इतनी प्लेयर्स हों कि हमारे पास खुद कंपटीशन के लिए हमें समझ ना आए कि हमें कौन सी प्लेयर कहाँ खिलानी और कहाँ नहीं। तो डेफिनेटली एक T20 और वनडे की टीम अलग बनाने का भी यही मकसद था कि कौन सा प्लेयर किस रोल पे एडजस्ट होकर, तो हम सब चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। जब भी कोई भी अच्छा परफॉर्म करेगा हम जरूर उसको टीम में रखेंगे, अपने साथ कॉम्बिनेशन में रखेंगे, बिकॉज हम हमेशा यही चाहते हैं कि पाकिस्तान को जितना बेस्ट टैलेंट मिले, पाकिस्तान के लिए जितना बेस्ट परफॉर्मेंस जो भी देने वाला हो उसको सो वेलकम।